हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, कॉफी हमने पी ली है। नेगी जी को जाना है आज ऑफिस थोड़ा अलग टाइमिंग में, मतलब डेली उनकी टाइमिंग होती है, वो सुबह 5 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, बट आज वो घर से 9 बजे निकलेंगे। सो आज उनका ब्रेकफास्ट होगा घर पे, बाकी दिन तो आपको पता ही है मैं फ्रूट्स दे देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ, क्योंकि खाना वाना सब कुछ नाश्ता वगैरह ऑफिस में ही होता है। बट अभी क्या है ना, अभी वो घर से थोड़ा बहुत खा के जाएंगे, तो मैं कर रही हूँ कुछ कुछ तैयारियां। सो यहाँ पे मैंने रख दिया है दलिया बनने के लिए, उस दिन मैंने दलिया थोड़ा एक्स्ट्रा बॉइल करके रखा था, तो वो बन रहा है, क्योंकि नेगी जी को दलिया बहुत पसंद है और आपके पेट के लिए भी दलिया बहुत अच्छा होता है। और यहाँ लगा हुआ थोड़ा आटा, तो मैं बनाऊंगी उनके लिए एक पराठा, दलिया और थोड़ी सी बैंगन का भरता पड़ा है, सब्जी पड़ी है रात की, तो वो भी बन जाएगी। और कुछ मिले ना मिले, नेगी जी को फ्रूट्स चाहिए, तो यहाँ पे अंगूर मैंने निकाल के, ये तो कल रात को ही धोए थे, ये वाले मैंने कल सुबह धोकर फ्रिज में रख दिए थे, तो थोड़े बाहर निकाल दिए, क्योंकि ठंडे हैं, एकदम ठंडे नहीं खाए जाते हैं, इसलिए थोड़े रूम टेम्परेचर में हो जाएंगे, फिर नेगी जी को दे दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। एंड आदत नहीं है ना, क्योंकि सुबह तो मैं आजकल अकेले ही ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो अभी मैं सिर्फ नेगी जी के लिए बनाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत जल्दी हो जाएगा नाश्ता करना वरना। तो नेगी जी नहा रहे हैं, उसके बाद आपसे थोड़ी देर में मिलवाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे रख दिए मैंने फ्रूट्स, आज मैं इस वाले बैग में रख रही हूँ, क्योंकि नेगी जी दूसरा वाला लंच बॉक्स नहीं ले जा रहे, तो मैं सोचू इस वाले में रख दूं। फ्रेंड्स, यहाँ पे शर्ट प्रेस हो गई है नेगी जी की, सो इसे भी रख देते हैं अब। और यहाँ पे है नेगी जी नाश्ता करते हुए, कैसा बने, हो गया नाश्ता? अब जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, वरना लेट हो जाओगे जाने के लिए ऑफिस। भाई बहुत लेट करते हो, बहुत हो गई कैब, कैब हो रही है, आज ऑफिस की गाड़ी नहीं आएगी, आज कैब से जाने। चलो मिलते हैं फिर शाम को, आज मुझे अकेले डिनर करना है, आज मैं लेट हो जाऊंगा आने में। आज नेगी जी तो डिनर करके आएंगे बाहर से, मुझे बेचारी को अकेले करना पड़ेगा। भाड़े में ले आऊं बाहर से? हाँ, पैक करा लेना। छोले भटूरे? छोले भटूरे तो नहीं खाओगे आप? क्या खाऊंगा, खुद तो अच्छी जगह खाओ, दूसरे को बोले छोले भटूरे। गोलगप्पे खाने? गोलगप्पे नो बाय। चलो बाय। फ्रेंड्स, आज ना 2-3 बार ये हेलीकॉप्टर ना यहाँ से घूम घूम के जा चुका है, फोकस नहीं हो रहा है, बहुत दूर चला गया है, पहले यहीं पे था, अगर मैं तभी वीडियो बना लेती ना तो दिख भी जाता। एंड जस्ट अभी अभी कपड़े सुखाए हैं, और धूप देखो कितनी अच्छी आ रही है बाहर, बहुत ही अच्छी धूप है यार, गर्मी आ गई है फिर से, वेलकम टू गर्मी, समर डेज आने वाले हैं। और मैं जाऊंगी अब नहाने के लिए, क्योंकि सुबह से बहुत काम थे, अब ख़त्म हुए हैं, एंड अब फ्री हुई हूँ, बस पानी वानी गर्म किया है, नहाएंगे इसके बाद आप सुनिए। गाइज, आज दूध का पैकेट अमूल वाला आया है, क्योंकि अब हम देहरादून जाने वाले, इसलिए मैं 2 पैकेट नहीं ले रही, तो नेगी जी से मैंने ये वाला मंगवाया था, तो वो एक लेकर आ गए। आजकल मैं मदर डेयरी वाला यूज़ करती हूँ, लेकिन आज अमूल वाला रखेंगे, थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ, इसे बाद में यूज़ करेंगे। एंड फ्रेंड्स, जो वो मैं बॉक्स लेकर आई थी ना DIY से, उसमें मैंने रख दिए हैं रस, लंबा वाला बॉक्स है, वैसे तो नेगी जी बोल रहे थे इसमें हाथ अंदर रख डालने में मतलब थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं लाई इसलिए थी, जब तक मैं दूसरा बॉक्स नहीं लेकर आती तब तक मैं इसी में रखूंगी। और ये वाली ट्रे मैंने स्पेशली यहाँ पे रखी है, इसमें जैम है, अचार है, सॉस है, सॉस बॉटल में रखना है, मैंने बहुत टाइम से नहीं रखा है, यहाँ पे गुड़ भी रहता है, गुड़ खाली हो गया है। एंड कल ही ना नेगी जी की इतनी सारी शर्ट धुली है, पता नहीं ये वाली क्यों निकाल कर गए, ये चाहिए नहीं क्या आपको, आप ऐसी फेंक के चले गए यार इन्हें। एंड यस, पहले हम इस रूम में बैठते नहीं थे, आजकल हम इस वाले रूम में भी बैठ रहे हैं, जिसने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे उन्हें पता होगा कि हम लोग ज़्यादातर या तो हमारा जो मास्टर बेडरूम है उसमें बैठे रहते थे, या तो हम लोग हॉल में बैठे होते थे। ये वाला रूम तब खाली था, लेकिन अब हमने जब से बेड लिया है तब से हमें ये वाला रूम थोड़ा रूम की तरह लगता है, तब से हमने भर दिया है इस कमरे को, भर दिया है बिल्कुल, मतलब भर दिया है। और ये क्या है, ये शर्ट इनका क्या करना है, ये धुलेंगी अभी, ये धोएंगी तुमने, धुलेंगी भाई, आपने पहनी कभी की ये धुलेंगी? ये धुलेंगी, अंदर बंद थी ना,
अच्छा ये अंदर बेड से निकाली है? हाँ ये अंदर बंद थी, बेड के अंदर ही धुलेंगे, उसके बाद ये फ्रेश होंगी जो तुम करोगे ये। एंड नेगी जी तो इसे अपना पर्सनल रूम मान के बैठे हुए हैं। ये हमारा बेडरूम नहीं है, वैसे ही हमारा गेस्ट रूम है, गेस्ट बेडरूम। कैसा लग रहा है आपको ये रूम? ये रूम मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत ही ज्यादा। क्यों कोई पूछ सकते है, क्यों नहीं, क्यों पसंद आता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को सनलाइट दिखती है। हाँ वैसे इस वाले डोर से ना एकदम से सनलाइट आती है, आप देख सकते हैं। हमारे घर में क्या है ना, मॉर्निंग वाली सनलाइट नहीं आती, तो इवनिंग वाली सनलाइट से हम काम चला रहे हैं। मतलब हम तो चाहते थे कि मॉर्निंग में भी आए, शाम को भी आए, बट मॉर्निंग पता नहीं भगवान ने दिया नहीं इस घर में। अच्छा ओरिएंटेशन इसकी ऐसी है ना, तो मतलब कि हम जो हमारे कपड़े हैं वो धुलते सुबह हैं लेकिन सूखते शाम को है। सबके कपड़े धुलते सुबह और सूखते शाम को ही है, ये कुछ नया नहीं है। शाम को नहीं धोते हम, सुबह ही धोते हैं, और हमारे कपड़े आजकल इस टाइम तक सूख जाते हैं। सर्दियों में नहीं सूखते थे क्योंकि सर्दियों में एक तो वैसे ही ठंडा रहता है, वो शाम का ये चक्कर है कि शाम तक हमारे इस टाइम पे धूप आ जाती है। फ्रेंड्स जो सर्दियों का टाइम था ना, जैसे अब तो गर्मी आने लग गई है, तो गर्मियों में यहाँ पे दिन में धूप आती है अच्छी खासी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सुबह से आएगी, एक दो बजे के बाद से धूप आने लग जाती है। लेकिन अब हवा में भी गर्मी हो गई इस वजह से कपड़े सूख जाते हैं। और आजकल मैं क्या करती हूँ ना, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में एक बार धोने के बाद में इसे ड्रेन दोबारा करती हूँ, मतलब एक बार और स्पिन कर दोगे तो वो अच्छा खासा मात्रा में सूख जाते हैं। इस वजह से हमारे कपड़े शाम तक सूख जाते हैं। वरना बीच में मैं सोच रही थी कि एक कपड़े सुखाने वाला स्टैंड भी ले लेती हूँ, हालांकि मुझे कभी कभार लगता है कि हमें लेना चाहिए। जगह नहीं है ना रखने, कहाँ रखोगे तुम उसको? यार अभी इमरजेंसी, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा तो बाहर कपड़े डलते ही नहीं है, फिर अंदर ही डलते हैं, फिर हमें क्या कहीं कहीं फैलाने पड़ते हैं, जो मुझे बड़ी आफत आती है इस चीज में। तो सर्दियों में ले लो उसको और गर्मियों में भेज देना। और नेगी जी के फालतू बातें ना मैं क्या बोलूं। और हाँ मैं आपसे ये बोलना चाहती थी कि मैंने जो बोला था ना कि 45 डेज वाला चैलेंज लेने के लिए, तो अभी वो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैं स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, मैंने ये बोला है। तो अभी तक एक है कांता आंटी, कांता बडोला व्लॉग्स आपने देखा होगा, तो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखना कांता बडोला व्लॉग्स। उन्होंने थोड़ी सी इच्छा दिखाई है कि वो भी मेरे साथ इस को सपोर्ट कर सकती हैं आंटी। तो आंटी जी हम अगर करेंगे तो मैं आपको डेट बता दूंगी। वैसे तो आंटी जी का रेगुलर आता है कुछ ना कुछ कॉन्टेंट, आप देखना। मेरा रेगुलर नहीं भी होता है बहुत बार, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि रेगुलर हो। तो अगर किसी को नहीं समझ आया कि मैं क्या बोल रही थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। तो 45 डेज चैलेंज मैं जो बोल रही हूँ वो कुछ ऐसा है कि 45 डेज तक रेगुलर व्लॉग्स जाने चाहिए, डेली मतलब। और वो एटलीस्ट आपका व्लॉग 8 से 10 मिनट या 12 मिनट तक का तो होना ही चाहिए। अगर आप एक दिन का कोई रूटीन शेयर कर रहे हो तो एटलीस्ट वो 10-12 मिनट का होना चाहिए। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो, मतलब उसमें क्या क्या शो करोगे? देखो जब हम अपनी डेली रूटीन की बात करते हैं तो डेली रूटीन में खाना, जाना कहीं या कुछ भी बात है हम शेयर करना, चाहे लड़ाई झगड़ा भी है वो भी शेयर करना लोगों के साथ, तो वो चीजें आती हैं। देखो मैं कोई भी कंटेंट कभी भी ऐसे नहीं बनाती कि कंटेंट बनाने के लिए बना रही हूँ, मैं आपके साथ वही चीजें शेयर करती हूँ जो मेरे साथ नॉर्मल चीजें चल रही होती हैं। अब देखो कुछ कुछ व्लॉगर्स करते हैं ऐसा कि कंटेंट बनाने के लिए लड़ लेते हैं, कंटेंट बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, मैं इतना नहीं कर सकती। मैं नहीं लड़ूंगा तुम्हारे साथ, मेरे साथ बहुत नॉर्मल सी चीजें जो चीजें होंगी मैं हमेशा तुमसे प्यार से कोशिश करूंगी। कुछ हेल्दी रेसिपीज या किसी को रेसिपी में शेयर मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है तो उसके अकॉर्डिंग पे देखो। आप मुझे ना कॉमेंट में बताना कि आपको क्या क्या जानना है, जैसे कुछ लोगों को किचन के यूटेंसिल्स में बहुत इंटरेस्ट होता है तो वो शेयर करना, या अपनी लाइफ शेयर करना। देखो इजी नहीं होता है लाइफ शेयर करना भी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप अपनी चीज़ें लोगों को दिखा रहे हो। लोगों को मैं हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को ये फील हो कि आप लोग बिल्कुल हमारे साथ हो, आपको हमारे बारे में सब कुछ पता हो। तो बस यही चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैं शेयर करूँगी। बस मैं कन्फ्यूज इसलिए हूँ कि चैलेंज स्टार्ट करना चाह रही हूँ अभी, लेकिन डेट फिक्स करनी है क्योंकि अगले मंथ भी मुझे शादी है मेरे एक देवर की, तो हम थोड़ा सा वही उसी चक्कर में भी थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे, कुछ कुछ चीजें तैयार करनी पड़ेंगी फिर से अगर शादी में जाना है। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं है, मतलब मैं पहले से नहीं बोल सकती जाने वाने का, तो पर हाँ पौड़ी में शादी है, इनकेस हमें पौड़ी जाना पड़ेगा तो उसकी भी तैयारी करनी है। सो मैं थोड़ा सा उसके लिए कन्फ्यूज हूँ कि अगर मैं 45 डेज चैलेंज स्टार्ट कर देती हूँ तो उस टाइम पे शादी ब्याह में जाने में ना आपका कंटेंट कहीं ना कहीं बनता तो है
पर आप अपलोड नहीं कर पाते हो। सही बात है, कभी कभी नेटवर्क नहीं होता है, कभी नेटवर्क इशू होता है, कभी मेमोरी फुल हो जाती है, बहुत चीजें होती है, कभी स्पीड नहीं मिलती, अपलोड की स्पीड नहीं मिलती। तो मैं वही चीजें सोच रही हूँ। और जैसे कांता आंटी ने पूछा था कि क्या है 45 डेज चैलेंज, तो सिंपल सी चीज है, जो जो करना चाहता है आप बस मुझे बता दो कि हाँ मैं करना चाहती हूँ। तो उसमें ये है कि हम 45 दिन तक वीडियोस बनाएंगे, एक दूसरे को टैग करेंगे डिस्क्रिप्शन में @, जैसे मैं लिखूंगी @ कांता वडोला व्लॉग्स, @ स्नेहा रावत नेगी व्लॉग्स। तो ऐसे करके क्या होता है ना, जो हमारी जनता होती है, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनको आपके भी मतलब व्लॉग्स दिखेंगे अगर आप टैग करते हो तो। ये अच्छा आइडिया है, ये आइडिया इसलिए कि हर किसी के पास पहुंचे इजीली। और कोशिश ये करनी है कि हम लोगों के ब्लॉग के पैटर्न ऐसे हो कि लोगों को ऐसा ना लगे कि सिर्फ हम डालने के लिए डाल रहे हैं, उनको इंटरेस्ट भी आए चीजों में। हालांकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मन नहीं करता डालने का, तो वो चीजें भी देखनी पड़ती है। लोग जानना चाहते हैं कि तुम जिम जाते हो क्या, इतनी हेल्दी कैसे हो तुम। लोग जानना चाहते हैं हेल्दी, तो देखो यार जिम तो मैं अभी नहीं जाती हूँ, लेकिन हाँ थोड़े से मेडिकल इश्यूज होते हैं, लाइक मुझे PCOD है, तो उसके साथ वजन कम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है जिन लोगों को नहीं पता है। तो बस यही इश्यूज है, लेकिन ये चीजें ना लड़के लोग नहीं समझ पाते हैं। तो सबकी बॉडी टाइप के ऊपर होती है ये चीजें। मेरा बॉडी टाइप ऐसा है, पहले मैं बहुत पतली भी थी एक टाइम पे। अच्छा, लेकिन जब से नेगी जी ने देखा, नेगी जी के मन में चल रहा मैंने तो नहीं देखा मतलब। लेकिन देखो लेडीज समझ सकती है, कुछ इश्यूज होते ही हैं बॉडीज के साथ। तो PCOD के साथ आपको वजन कम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमारी डाइट ऐसी नहीं है, आधे से ज्यादा टाइम मैं अकेली होती हूँ खाना खाने के लिए, नेगी जी तो ऑफिस में होते हैं, मतलब एक टाइम की मील हम दोनों के साथ होती है थी। लेकिन जब मैं ऑफिस में भी खाना खाता तो मैं तुम्हें याद करता हूँ उस टाइम। आप मुझे याद नहीं करते, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं नेगी जी मुझे एक बार भी फोन नहीं करते। आपने मुझे पता है जब भी नेगी जी ऑफिस जाते हैं, नेगी जी मुझे कभी कॉल करके नहीं पूछते कि मैंने खाना खाया नहीं खाया या कुछ भी चीज। मैं मन में पूछता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है टाइम। गाइज ये पता है वीडियोस में बोलते हैं बस ये फालतू चीजें, और लोग पता है इनकी इतनी तारीफ करते हैं कि ये तो बहुत केयरिंग है। मैं हूँ केयरिंग, बट मैं खाली कैमरा में शो नहीं करता। आप वैसे भी शो नहीं कर रहे हो कैमरा में, चलो मैंने कैमरा बंद कर दिया। तो क्या खाना है फिर, चाय पीनी है? मैगी बनाओ, चाय मैगी बनाओ, चाय बनाओ। अब तो करते हैं बंद, तो चाय बनाओ ना। बना रहा हूँ भाई, तू तो ऐसे कर रही जैसे मैंने मना कर दूं चाय मेरा बनाने के लिए। जान बूझ के आपको पता है कि कैमरा ऑन है। अब आप चाय बनाओगे, मैं तब दिखाऊंगी लोगों की चाय बन रही है। फ्रेंड्स ये नहीं बनाएंगे चाय, मुझे ही बनानी पड़ेगी, ये यहाँ भूख पड़ रहे हैं। गाइस यहाँ पे रख दिया मैंने चाय शाम की, और ये रहा बड़ा वाला कप, इसमें दूध रख दिया था, जितना बचा है अभी वही डाल दूंगी, बाद में दूध गर्म करूंगी। और यहाँ पे रखे थे मैंने कुछ गाजर काट के, नेगी जी को ना गाजर वगैरह खाने का बहुत शौक है, मतलब उन्हें लगता है कि बस कटा हुआ रहे तो मैं बस इजीली खा लूँ, कोई भी फ्रूट हो या गाजर हो। ये क्या रोटी? पापड़। नेगी जी की स्पेशल थाल, एक ना वो लेना पड़ेगा पापड़ के लिए भी ना, एक वो आता है जाली वाला, जाली वाला समझ के ना, क्योंकि फ्रेंड्स हमेशा तेल वाला पापड़ तो नहीं खा सकते। जल गया। पापड़ जल गया, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं जला, बीच में बस थोड़ा सा जला है। स्नेहा जी ने कोरियन लगा लगा के चला चला के मेरा दिमाग खराब कर दिया। उफ, अति हो गया अति।